नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी है ये पांच बॉलीवुड कलाकार, आइए देखते हैं इस वीडियो में। इसी के साथ मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेल बिहार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। जितनी ज्यादा तादाद में उनके समर्थक है वैसी ही तादाद में उनके विरोधी भी हैं, जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। तो आइए आज पांच ऐसे ही कलाकारों की बात करते हैं जो नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी हैं। इन सब में सबसे पहला नाम आता है अनुराग कश्यप का। बॉलीवुड के बेहतरीन निर्देशक अनुराग कश्यप भी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के विरोधी है। आए दिन वह नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हैं। अपनी फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर भी वह सरकार से भिड़ गए थे। दूसरा नाम आता है प्रकाश राज का। फिल्म सिंघम और वांटेड से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता प्रकाश राज भी नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी हैं। कर्नाटक चुनाव में वो भाजपा को वोट ना देने के लिए प्रचार भी कर चुके हैं। कुछ दिन पहले मीडिया से बात करते हुए प्रकाश राज ने कहा था कि जब से वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना शुरू किए हैं, बॉलीवुड में उन्हें काम मिलना बंद हो गया है। इन सब में तीसरा नाम आता है स्वरा भास्कर का। रांझना फिल्म से अपनी पहचान बनाने वाली स्वरा भास्कर भी लेफ्ट पार्टी की समर्थक है, इसलिए वो आए दिन नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकालती रहती हैं। इस वजह से अक्सर वो मोदी समर्थकों के निशाने पर रहती है। चौथा नाम आता है जावेद अख्तर का। गीतकार जावेद अख्तर अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जावेद अख्तर ने भी मोर्चा खोल दिया है। अपने बयानों की वजह से उन्हें कई बार धमकी भी मिल चुकी है। पांचवा नाम आता है ऋचा चड्ढा का। फिल्म अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की छवि भी हिंदू विरोधी के रूप में पेश की जाती है। वह भी नरेंद्र मोदी सरकार की कट्टर विरोधी है। ऋचा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। अक्सर वह खुद को ट्रॉल करने वालों को करारा जवाब देती है। ऋचा मोदी सरकार में हो रही घटनाओं से काफी दुखी रहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बाकी की तमाम खबरों के लिए मेल बिहार के साथ बने रहें।